बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ 30 अक्टूबर को बिहार सरकार के खिलाफ 30 अक्टूबर 2023 को पटना के गर्दनी बाग में बिहार राज्य के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा घेराव किया जाएगा। साथियों, आपने जो ये वीडियो क्लिप देखा है, ये बिहार राज्य सरकार को चेताने की वीडियो है। और इस वीडियो को देख करके अगर राज्य की सरकारें चेतती नहीं है तो आने वाले 2024 में और आने वाले अगले महीने यानी कि अक्टूबर के अगले महीने से अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन देने का काम हमारे फेयर प्राइड एसोसिएशन के कोटेदारों के माध्यम से ये होगा। और दोस्तों, ये क्यों होगा और कैसे होगा और किस लिए ये लोग कर रहे हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में कोटेदार एकदम बेचैन और परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं दोस्तों कि उनको भरपूर मानदेय, यानी कि ये कह लीजिए कि उनका जो काम करने का तरीका है उस तरीके को देख करके सरकार उनको इग्नोर करती है। यानी कि उनका जो 2001 से लेकर अभी तक बकाया कमीशन है उसको भुगतान नहीं कर पाई है, इसीलिए कोटेदार अपने मानदेय की मांग करते हैं कि आप लोग हमको कमीशन दें या ना दें, लेकिन हम लोगों का कुछ ऐसा मानदेय दें जिससे हम अपने परिवारों का जीवन यापन आसानी से बिता सकें और हमारे बाल बच्चे भी आसानी से अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। लेकिन दोस्तों, सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगती है और कोटेदारों को बातों को इग्नोर करती 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 चली आई है। इससे कोटेदार नाराज होकर अब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन देंगे और अपनी मांगों को, जो उनको 30,000 रुपया महीना मानदेय और एक सरकारी नौकरी और जो गल्ला वितरित करते हैं उसमें साफ सफाई होनी चाहिए, इसकी मांग सरकार अगर 30 अक्टूबर तक नहीं करती है तो उन लोगों के जरिए अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करने का सरकार को एकदम ये कह लीजिए कि वार्निंग दे चुके हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस तरह से धरना प्रदर्शन देने से सरकार हमारी बातों को मानेगी या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए, अपने फायदे के लिए न्यूज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। हम इसी तरह से वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।